हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे घन का। जिसमें एक घन दिया है, इसमें टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम नामकरण करते हैं, 1, 2, 3 और यहाँ पर 1 अर्थात 1-2-3। तो इसको सबसे पहले हम अभी सर्किट के रूप में बदलेंगे। तो ए से शुरू करते हैं, यहाँ से 3 साइड्स निकली हैं, 1, 2, 3 पहले ड्रा किया हमने। फिर 1 से 2 भुजाएं निकली हैं, यानी कि 1-2। तो 1-2 हमने बना लिया है, ये 1 से निकलने वाली और 2 से निकलने वाली, यानी 2 से निकलने वाली जो साइड्स हैं 1-3। तो हमने 1-3 बना लिया है। और 3 से निकलने वाली 2-3 हमने बना लिया है, 3 से निकलने वाली 2-3। और अब शेष बचा है बी से निकलने वाले 1-2-3। तो बी से निकलने वाले 1-2-3 इसको हमने पहले से बना लिया है, अब इसको जोड़ना है। तो 1 को 1 से जोड़ देंगे और 1 को 1 से जोड़ देंगे, 2 को 2 से जोड़ देंगे और यहाँ से 1 को 1 से जोड़ देंगे और यहाँ से 3 को 3 से जोड़ देंगे और यहाँ से 2 है तो इसको 2 से जोड़ देंगे और यहाँ से 3 है तो 3 से जोड़ देंगे। अब इसे यहाँ से सिमिलरिटी नियम से देखते हैं कैसे क्या होता है आगे। अगला स्टेप, यहाँ से करंट जो आती है 3 भागों में बढ़ती है, क्योंकि सभी भुजाओं पर समान प्रतिरोध है अर्थात आर ओम का, सभी आर ओम के हैं। तो यहाँ से जो भी करंट आएगी ये 2 भागों में बटेगी, यहाँ से भी जो भी करंट आएगी यहाँ पर वो भी 2 भागों में बटेगी, यहाँ से यानी 3 से आने वाली करंट है ये भी 2 भागों में बटेगी। पहले एक भुजा पर हम पहले वर्णन करते हैं एक भुजा का। तो 1 से आने वाली जो करंट है 2 भागों में बटेगी, तो 1 की तरफ जाएगी और 2 की तरफ जाएगी। तो 1 की तरफ जाएगी तो आर ओम का सामना करना पड़ेगा इसे, फिर आगे चल के आर ओम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आर ओम है और यहाँ पर आर ओम है। तो फिर यहाँ से करंट आने के बाद ये वापस 2 की तरफ यानी 1 यानी 2 की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से इधर आने के बाद वापस करंट नहीं आएगी, क्योंकि इधर हाई विभव यानी उच्च विभव इधर है। 2 की तरफ यानी ए की तरफ आने पर उच्च विभव है और बी की तरफ जो करंट आ जाती है यानी 1 पे आने के बाद वापस नहीं आती है, इधर की तरफ नहीं आती है, क्योंकि इधर उच्च विभव है। जबकि करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो करंट एक बार 1 से चली और 1 पे यहाँ आ गई, फिर इसके बाद यहाँ से 2 चलिए, 2 से चलने के बाद यहाँ 2 पे आके यहाँ पर मिलती है बी की तरफ। तो यहाँ से भी 2 भागों में बटना है, तो यहाँ से फिर वापस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर लो विभव है और यहाँ पर हाई विभव है, तो इसलिए वापस नहीं आएगी, इसलिए बी की तरफ करंट चली जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ से करंट ऐसी आएगी। तो यहाँ से जो आर ओम का है ये भी आर ओम है, ये आर ओम है, ये भी आर ओम है, तो समान धाराएं दोनों में बट रही हैं, क्योंकि समान रेजिस्टेंस का इसमें सामना करना पड़ रहा है, इसलिए समान धाराएं प्रवाहित होगी, इसलिए समान वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर भी समान वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी समान वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी समान वोल्टेज ड्रॉप होगा, अतः ये तीनों समान विभव होंगे। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आर ओम है, यहाँ पर आर ओम है, यहाँ पर आर ओम है, तो यहाँ पर भी समान वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये तीनों हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का वोल्टेज ड्रॉप समान होगा, समान वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि तीनों आर ओम हैं, अतः तीनों का ये पॉइंट समान विभव होगा। तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो शॉर्ट करने के बाद यह सर्किट इस रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पैरेलल सर्किट यहाँ पर ये बन जाता है, यहाँ पर एक पैरेलल सर्किट बन जाता है, इसका पैरेलल अब समान है साधारण तरीके से, इसका पैरेलल में जो मान आएगा 1/3 आ जाएगा योग, और 1/3 इसका भी आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये तीनों सीरीज में हो जाते हैं, तो तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो श्रेणी का नियम लागू करके यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ से 5/8 हो जाएगा जोड़ने पर टोटल, अर्थात इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6 × R हो जाएगा, क्योंकि R हर भुजा में R रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है।